दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है? ये सवाल उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गई। पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर भी पानी था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौती का सामना करना पड़ा। इस रोड पे भी काफी वाटर लॉगिंग था। बेसमेंट में एक लाइब्रेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चलता था, उसमें भी फ्लडिंग हो गया। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है? एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Thank you.